ऑनगोइंग ड्रामा. सो आज हम इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं, बात करने बिटवीन अस की. सो वो भी ऑनगोइंग है, जब उसके न्यू एपिसोड अपडेट होंगे तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगी. इस ड्रामा की स्टार्टिंग सबसे पहले कपल से होती है, जो कि जेजू आइलैंड में अपना वेडिंग फोटो शूट करवाने के लिए काफ़ी अंदर जंगल में जाते हैं. यहाँ पर उनके साथ एक फोटोग्राफर भी था, जो कि उन सभी को यहाँ की स्टोरी बता रहा होता है कि यहाँ पर कुछ गॉड ने अपने चिल्ड्रंस को कुछ ईविल स्पिरिट को बंद करने के लिए, जो कि हेल से आते हैं, उसके लिए उन्होंने अपने 46 चिल्ड्रंस को यहाँ पे रखा था, ताकि वो यहाँ से ईविल पावर्स को हमेशा 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 के लिए ख़त्म कर दे. यहाँ पर वो कपल्स इस मिथिकल स्टोरी, जिसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है, जो कि हमें आगे ड्रामा में पता चलेगी, उसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं कि ये कितना मिस्टीरियस है. वो न्यू कपल चलते चलते एक जगह पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर फोटोशूट करने का डिसाइड करते हैं. अजीब से स्कल्पचर देखे उनमें से जो वाइफ होती हैं वो उसे टच कर लेती हैं और कहती हैं कि इसमें कुछ अजीब सी एनर्जी तुम्हें महसूस नहीं हो रही. इतने में ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कुछ अजीब तरह का डार्क मैजिक होता है और इसके बाद वो दोनों ही कपल गायब हो जाते हैं. यहाँ पर फोटोग्राफर उनसे अभी बातें कर रहा था, अपना कैमरा सेट कर रहा था, इसके बाद जब दोबारा दिखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता. आफ्टर दैट वो पीछे मुड़कर दिखता है और कहता है कि आप दोनों यहाँ पर जल्दी से तैयार हो जाइए. लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि उनका सारा हुलिया चेंज हो गया होता है और वो दोनों अब इंसान नहीं बल्कि ये मॉन्स्टर बन चुके होते हैं, जो कि उस पर भी अटैक कर देते हैं और उसे भी मार देते हैं. उसके बाद हमने ड्रामे के मेन लीड जॉन को देखते हैं, प्रीस्ट जॉन. यहाँ पर वो एग्जॉर्सिज्म कर रहे होते हैं कुछ ईविल स्प्रिट पर, जिन्हें मुक्ति मिलने वाली थी. यहाँ पर वो ईविल स्प्रिट जॉन पर चिल्ला रही होती है कि तुम जैसा फिल्थी ह्यूमन मेरा कुछ भी नहीं कर सकता. यहाँ पर जॉन बड़े आराम से म्यूजिक सुन रहा होता है, जैसे कि उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही कुछ भी कहते रहो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम्हें तो अभी मुक्ति मिलने वाली है. मेन प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि कुछ फोटोग्राफ्स को देखकर परेशान हो रहे होते हैं. तभी वहाँ पर एक प्रीस्ट भागकर जॉन के पास जाते हैं और उसे ईविल स्प्रिट को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि ओह ग्रॉस, ये क्या कर रही है. तभी यहाँ पर जॉन उसके पास आता है और कहता है कि श साइलेंट, मैं यहाँ पर इसका काम तमाम कर रहा हूँ. इसके बाद वो उसे गाने सुनने के लिए दे देता है और दैट उसका एग्जॉर्सिज्म करता है और इसके बाद वो ईविल स्पिरिट तड़पने लगती है. आफ्टर दैट हम जॉन को मेन प्रीस्ट के साथ देखते हैं, जो कि उसे कुछ स्टोरीज बता रहे होते हैं और कहते हैं कि काफ़ी हज़ारों सालों पहले ईविल पावर्स को बंद करने के लिए, जो कि हेल से आती हैं, उसके लिए गॉड ने कई सारे इंतजाम किए थे. उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी स्पिरिचुअल पावर, जो कि उन सभी को बंद करने का काम करती थी, बट इवेंचुअली उसे मार दिया गया था और जिसने उसे मारा था वो आज भी जिंदा है. यहाँ पर जॉन कहता है कि तो तभी प्रीस्ट उसे बताते हैं कि वो दरअसल दोबारा जन्म ले चुकी है और अब वो अपने काम के लिए तैयार है, इसीलिए तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है. यहाँ पर जॉन कहता है कि मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है, सबको प्रोटेक्ट करने वाली है. यहाँ पर प्रीस्ट जॉन कहते हैं कि उसे अपनी शक्तियों का पता नहीं है, इसीलिए अभी के लिए फिलहाल तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा, बिकॉज शी इज़ इन डेंजर. तभी प्रीस्ट जॉन कहते हैं कि इट्स ओके, आई विल हैंडल. इसके बाद अपने ड्रामे की फीमेल लीड मीहू को देखते हैं, जो कि अपने डैड की इकलौती बेटी है और उसके डैड बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और मीहू भी उनके काम में थोड़ी बहुत हेल्प करती है. वो थोड़ी सेल्फिश एरोगेंट टाइप की है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स बिजनेस में आ जाती हैं, पर वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो हमेशा गलत होती है. कुछ कलीग्स के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है, तभी वहाँ से उसकी आंटी उससे मिलने के लिए आती है. उसकी आंटी उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, बिकॉज ये होटल दरअसल काफ़ी शेयर्स में बटा हुआ है और उसमें उसकी आंटी सबसे बड़ी शेयर होल्डर है. मीहू के पास भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं, इसलिए दोनों ही इस बात में लगे रहते हैं कि आखिर इस होटल पे पूरा का कब्जा किसका रहेगा. पर मीहू कहती है कि आपको तो पता ही है कि मेरे डैड कितने बड़े इंसान हैं और वो आपसे होटल के शेयर्स छीन भी सकते हैं अगर वो चाहें, अगर मैं कहूँ तो. या पर उसकी आंटी मानने के लिए तैयार नहीं थी और इसके बाद ये दोनों झगड़ा करती हैं. पर हम मीहू को देखते हैं, जो कि अपने रास्ते में अपनी बॉडीगार्ड के साथ जा रही होती है. तभी यहाँ पर एक कार उनके सामने आकर रुक जाती है और उन दोनों की टक्कर हो जाती है. इसके बाद उनका बॉडीगार्ड बाहर निकलता है, उस गाड़ी से कुछ हट्टे कट्टे लोग बाहर निकलते हैं, जो कि झगड़ा करने लगते हैं. तभी यहाँ पर मीहू सिचुएशन समझ कर कहती है कि तुम सॉरी बोलो. इसके बाद बॉडीगार्ड सॉरी बोल देता है, लेकिन वो दोनों बंदे तो कुछ अलग ही हाइपर हो रहे थे जब वो सॉरी से नहीं मानते. इसके बाद मीहू को गुस्सा आ जाता है कि गलती तो गलती, ऊपर से सीना चोरी भी. इसके बाद उनमें से एक को उठाकर वो पटक देती है और आफ्टर दैट वो दूसरे को नोटिस करती है, जो कि वीडियो बना रहा था. इसके बाद मीहू कहती है क्या कर रहे हो तुम लोग. आफ्टर दैट इतने में ही वो दोनों भाग जाते हैं और अगले दिन ये न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है कि मीहू जो कि एक अमीर बाप की औलाद है, वो दरअसल लोगों को सड़क पर ऐसी बुली करती है, बिकॉज शी इज़ बैड टेम्पर्ड. और ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि मीहू इतनी काबिल नहीं है कि वो सब कुछ बिजनेस संभाल पाए, बिकॉज वो इतनी मेच्योर ही नहीं है. इसके बाद उसे पता था कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उसकी आंटी ने ही किया होगा, जो कि उससे हमेशा जलती हैं.
दैट अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि इट्स नॉट मी, मुझे फंसाया गया है। पर उसके डैड कहते हैं कि शट अप, तुम्हें पता भी है कि आखिर इस सिचुएशन को संभालने के लिए मैंने कितनी सारी मेहनत की है, और तुम्हारे पागलपन के दौरे कभी भी आ जाते हैं, तुम्हें पता भी है कि आखिर हमें कितना नुकसान हुआ है, हमारे शेयर दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं। तभी यहाँ पर मीहू कहती है कि इट्स नॉट मी, ऑफ कोर्स इट्स नॉट मी, ये ट्रिक किया गया था। तभी उसके डैड कहते हैं कि शट अप, और कुछ दिनों के लिए तुम्हें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, मतलब इस शहर से कहीं दूर चले जाओ, बिकॉज यहाँ पर लोग तुम्हें देखेंगे तो फिर से वही न्यूज़ सबके सामने आ जाएगी। वो उसे जेजू आइलैंड भेजने का डिसाइड करते हैं। तभी मीहू तैयार नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उसके सीनियर उसे सजेस्ट करते हैं, जिनकी बातों सबसे ज्यादा मानती है, तो मीहू तैयार हो जाती है और वो कहती है कि ओ गॉड, मुझे जाना पड़ेगा। तभी वो कहते हैं कि हाँ, कुछ दिनों की शांति के लिए तुम्हें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। मीहू जेजू आइलैंड पहुंच जाती है ये सोचकर कि शायद उसे वहां पर रिपोर्टर नहीं मिलेंगे, बट वहां पर तो एयरपोर्ट पर ही उसे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं। मीहू का बॉडीगार्ड उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है और मीहू वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो यहाँ पर पार्किंग एरिया में आती है और फोन पे बात करने लगती है। तभी वो यहाँ पर कार के बगल से किसी को नोटिस करती है और कहती है कि ओ हेलो, कौन है यहाँ पर? तभी यहाँ पर जब वो पलट कर देखती है तो कोई और नहीं, वही स्टार्टिंग वाली वेडिंग वाली मॉन्स्टर थी, जो कि मीहू को देखकर उस पर लपकने की कोशिश करती है। उसके हाथ में एक इंसान का हार्ट होता है जिसे वो अभी खा रही थी, मतलब खा रही थी या फिर मार रही थी। मीहू उसे देखकर अपनी जान छोड़ के भागती है और कहती है कि ग्रोस, ये क्या है। इसके बाद वो जल्दी से भागती है, यहाँ पर वो मॉन्स्टर उसका पीछा करती है, वो भी काफी सुपर फास्ट थी, दरअसल उसके पास काफी पावर्स भी थी। मीहू तो बेचारी अपनी इंसानी पावर से भाग रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, वो कार के नीचे भी झुककर देख लेती है। अभी मीहू भी ऊपर लटक जाती है ताकि उसे नोटिस ना करे। आफ्टर दैट वो अपनी कार की लाइट भी करती है, जिसके बाद मॉन्स्टर थोड़ी डिस्ट्रैक्ट होती है और उसे थोड़े भागने का टाइम मिल जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर से फिर से नोटिस की आफ्टर दैट उसे फॉलो करती है। और इसके बाद मीहू अपने आप को एक वैन में बंद कर लेती है। वो मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर है, वो उस वैन को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करती है। यहाँ पर मीहू डर के मारे बस मरने वाली थी, वो उसे पता भी नहीं था कि वो ब्रीथ कैसे करे, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में किसे याद आएगा कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। इसके बाद वो पूरी होपलेस हो जाती है एंड अंदर से काफ़ी डरी हुई भी। इतने में ही यहाँ पर एक होप आती है उसके लिए। उसके बाद अपने ड्रामे की एक और मेन करेक्टर वॉन को देखते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसके बाद उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़ोरदार फाइट होती है। इसके बाद वैन उसे हरा देता है और आफ्टर दैट यहाँ पर जब वो मीहू के पास आता है, अजीब सा शॉक लगता है। बाद वॉन उसे देखता है जैसे कि दोनों बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, पर मीहू एट द सेम स्पॉट वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसकी आंख उसके रेस्टोरेंट में खुलती है। यहाँ पर वो अपने बॉडीगार्ड से और अपने अंकल से पूछने की कोशिश कर रही थी कि रात को हुआ क्या, मैंने कुछ देखा, कुछ मॉन्स्टर, एक बंदा ब्लैक कोट में। तभी वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं था, तो बस पार्क में लॉर्ड में बेहोश पड़ी हुई थी। तभी यहाँ पर मीहू कहती है कि ऐसा नहीं था, बहुत कुछ हुआ था रात में। तभी वो दोनों कहते हैं कि जस्ट शट अप, तुम्हें सो जाना चाहिए, थोड़ा आराम करो, तुम्हारा दिमाग काफ़ी थका हुआ है। तभी मीहू कहती है कि यू आर जस्ट शट अप, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कुछ था ब्लैक कोट में, एक बंदा हैंडसम सा। तभी वो कहते हैं कि कुछ तुम्हारे सपने में होगा। मीहू कहती है कि ओ नो, ऐसा नहीं है। वॉन को देखते हैं जो कि एक ओल्ड लेडी से बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर ओल्ड लेडी कहती है कि शायद हमारी सेवियर आ चुकी है, क्या उसने तुम्हें पहचाना? तभी वॉन कहता है कि नहीं, देख रही थी इसे, उसने पहली बार देखा है। तभी वो कहती है कि चिंता मत करो, मुझे लगता है कि शायद अभी शक्तियाँ जगी नहीं है, कुछ पहचान जाएगी तो खुद ही सब कुछ समझ जाएगी। वॉन कहता है कि आई होप वो जल्दी हो। इसके बाद हमें स्टोरी एंशियंट जेजू आइलैंड की दिखाई जाती है, मतलब उस टाइम की, जब बहुत सारे मॉन्स्टर हेल से बाहर निकल रहे होते हैं और बहुत सारी तबाही मचा रहे होते हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रीस्ट टाइप लोगों को देखते हैं, जो कि एक गाँव में जाते हैं और वहाँ पर नोटिस करते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टर ने सब कुछ तबाह कर दिया है और हर एक इंसान को मार दिया है। तभी वो नोटिस करते हैं कि सारे लोग मर चुके हैं पर दो बच्चे अभी भी जिंदा हैं। तो उन दो बच्चों को लेकर वो मेन प्रीस्ट के पास जाते हैं कि इन दोनों बच्चों को देखकर कहते हैं कि यही हमारे हथियार बनने वाले हैं। इसके बाद वो उन दोनों बच्चों को लेकर कुछ अजीब सी जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर कैप्चर था। तभी वो बताते हैं कि ये दरअसल हेल मॉन्स्टर है, जो कि तब से है जब से धरती बनी है ये, और ये सारी दुनिया तबाह कर सकता है, लेकिन लकीली ये हमारे पास है। इसके बाद वो कहते हैं कि अब ये दो बच्चे इसकी शक्तियों के साथ हम सभी को प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि आधे ह्यूमन और आधे मॉन्स्टर रहेंगे। इसके बाद वो दोनों बच्चे डरने लगते हैं और वो उस मॉन्स्टर का ब्लड निकालते हैं और उसे उन दोनों बच्चों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो उन्हें दरअसल हथियार बनाने की बात कर रहे थे। इसके बाद उन दोनों बच्चों को बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है और वो उन्हें जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी लड़की को देखते हैं, जो कि इन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रही होती है। यहाँ पर वो कहती है कि ये दोनों ऐसे क्यों हैं। और इसके बाद हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर मीहू को देखते हैं, जो कि एक स्कूल में
इथिक्स टीचर बनने का डिसाइड करती है। उसे जेजू आइलैंड में रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद वो सोचती है कि क्यों ना स्कूल ही ज्वाइन कर ले। आफ्टर दैट अपने घर जा रही होती है तभी यहाँ पर उसका बॉडी गार्ड बीच रास्ते में रोक देता है। यहाँ पर मी हो कार से बाहर निकलती है और उसे बताती है कि उसे पता है कि उसका बॉडी गार्ड उसे बिट्रे कर रहा है। इसने आंट ने तुम्हें $1 बिलियन ऑफर किए होंगे ना, तभी यहाँ पर वो कहता है कि आई नो कि आप क्या समझ रही हैं। कुछ भी हुआ था उस रात वो उसकी बॉडी गार्ड की वजह से हुआ है, बिकॉज उसे ही पता था कि आखिर मी हो कहाँ पर है। उसके पास फोटोग्राफ्स भी होते हैं। तभी यहाँ पर बॉडी गार्ड के पास कुछ भी नहीं होता अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। इसके बाद वो मान लेता है कि उसने मीहू को बिट्रे किया है। तभी मीहू काफी अपसेट होती है और काफी हार्ट ब्रेक भी। जिस पर वो ट्रस्ट करती है वो हमेशा उसका ट्रस्ट ब्रेक कर देता है। यहाँ पर उसका बॉडी गार्ड कहता है कि मिस आई एम सॉरी बट आपको पता नहीं है कि आखिर ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये लोग बहुत डेंजरस हैं। तभी यहाँ पर मीहू उसकी बात को इग्नोर करके अपने रास्ते जाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि पीछे कुछ दिन पहले एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था, क्या पता वो अब भी आ जाए। इसका थोड़ी डरने लगती है और कार बुलाने लगती है, बिकॉज उस बॉडी गार्ड की कार में तो जाएगी नहीं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉडी गार्ड पर भी कोई हमला कर देता है और वही मॉन्स्टर बन जाता है। यहाँ पर वो मीहू को अप्रोच करता है, तभी मीहू कहती है कि तुम फिर से चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। यहाँ पर मीहू देखती है कि ये उसका बॉडी गार्ड नहीं है, ये तो मॉन्स्टर है। इसके बाद वो मीहू पे अटैक कर देता है। यहाँ पर मीहू उससे बचने की कोशिश करती है, मीहू का गला पकड़ लेता है, पर किसी की एंट्री होती है जो कि उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।